हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुबह कुमारी देसी ब्लॉग में। दोस्तों और आज दिन बुधवार है। दोस्तों मैं सुबह सोची थी कि आप लोग के साथ कुछ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं, मगर नहीं कर पाई क्योंकि आज मुझे स्कूल सुबह में ही जाना था। सुबह क्या जाऊंगी, अभी भी बहुत लेट हो गया, 12 बज रहे अभी। और मेरा खाना पीना बन गया है, देखिए यहाँ मैं अरहर की दाल और बनाई हूँ, अरहर की दाल बनाई हूँ और चावल, और ये नेनुआ की सब्जी है और चोखा आलू का, जो हम बिहारियों का फेवरेट है आलू का चोखा। और ये जठैल इसे बोलते हैं, कहीं कहीं खक्सी भी बोलते हैं, इसकी भुजिया बनाई हूँ। और मैंने देखी ये दोस्तों, ये ड्रेस का बाजू में देखिए ऐसे बनाई हूँ। अच्छा, और मैंने एक जैगिंग्स मंगाया था, मैंने शायद वो आप लोगों को रिव्यू भी दिया था। ये जैगिंग्स भी पहनी हुई हूँ मैं, देखिएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, तो अब मैं चलती हूँ स्कूल क्योंकि 12 बज गया है। दोस्तों देखिए 12 हो गया है, 12 नहीं 12:15 हो गया है, काम करते करते मत पूछिए। और मुझे दुपट्टा भी लेना था वाइट कलर का, मगर मेरा दुपट्टा मैं ले नहीं पाई हूँ, ख़राब हो चुका है। और ये मैं यही कलर का ले लेती हूँ, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, मगर कोई नहीं चलेगा। तो मैं अब स्कूटी वगैरह निकालती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्कूटी वगैरह निकाल ली हूँ। और देखिए नैना बेचारी का तबीयत अभी भी ख़राब ही है दोस्तों, प्लीज़ मेरे बाबू जल्दी ठीक हो जाए। बोल दो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, तो ठीक है मिल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुबह कुमारी देसी ब्लॉग में। और मुझे आज थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, इस वजह मैंने बाल में भी देखिए ऑयल भी लगा ली, और बाल भी बहुत वाइट हो रहे हैं, कलर करना है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट में। और मैं कल जब मंदिर गई थी तो वहाँ नारियल फोड़ी थी, तो मेरे यहाँ बच्चे वगैरह नारियल खाते नहीं है, मेरे हस्बैंड को पसंद है तो वो तो अभी है नहीं यहाँ, वो अभी ड्यूटी पे हैं। तो मैंने नारियल को कल अच्छे से सुखा के रखा था, और ये देखिए इसी तरह रखा हुआ है, साफ़ करके मैं इसे रखी हुई थी। तो अब इसका मैं लड्डू बनाऊंगी दोस्तों। लड्डू बहुत कोई कद्दूकस करके या मिक्सी में ग्राइंड करके बनाते हैं, मगर मैं किसी अलग तरह से बनाऊंगी। इस टाइप की पिदाई आती है, हम लोग इसे बिहार झारखंड में पिदाई बोल, और इसका मुंह इस टाइप करेगा, इस पर गोल गोल घुमा के इसे बनाते हैं इसका लड्डू। ये लोग ज़्यादा लोग इसे बंगाली लोग इस तरह का, उन लोग के पास जो सब्जी काटने वाली होती है उसमें ये बना हुआ रहता है। मैं स्पेशल ख़रीद के लाई हूँ दोस्तों, मुझे नहीं था मेरे पास, मैं स्पेशल सिर्फ लड्डू बनाने के लिए ये ख़रीद के लाई हूँ। 50 रुपीज़ का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मार्केट में जैसे आलू छीलने वाला होता है उस टाइप का भी आता है 10-20 रुपये में, देखिएगा अगर कोई जैसे सेल वगैरह लगता है डिज्नीलैंड वगैरह उस टाइप में भी मिलता है। तो इससे मैं बनाऊंगी और बहुत टेस्टी लड्डू बनता है दोस्तों, बहुत टेस्टी, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो चलिए देखते कि मैं कैसे बनाती हूँ दोस्तों। पहले मैं ये कार्डबोर्ड है टाइप का है, इसे मैं इसके नीचे लगा लूँगी, और ये नारियल, अब इसको मैं ऐसे ऐसे देखिए दोस्तों ये खुरचा रहा है, और इस टाइप का ये पाउडर जैसा बन के निकलेगा। बस कुछ नहीं, ऐसे ऐसे आप गोल गोल कीजिए और ये बन जाएगा, तो ये इस टाइप का पाउडर निकल जाएगा। इसे मैं क्रश करके मिलती हूँ फिर आपसे। देखिए दोस्तों मेरा यह नारियल का पाउडर बन चुका है, और देखिए ये इस तरह का इसका सेल निकल चुका है। आप इससे भी क्राफ्ट बना सकते हैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे, इसमें पेंटिंग करके छोटे छोटे फ्लावर रखने के लिए पॉट बनता है,
मगर मैं नहीं बना पाती, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर वैसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर बना के आप लोग को दिखाऊंगी। और देखिए इसमें कम से कम 20-22 लड्डू बन जाएंगे दो नारियल में। दोस्तों हमारा नारियल वो हो चुका है, देखिए अब इसे मैं पंखे के पास एक घंटे के लिए छोड़ दी थी और ये देखिए सूख गया है। और मैंने ये टेबल भी खरीदा है दोस्तों, देखिए कैसा है कमेंट में बताइएगा। देखिए डिजाइन कैसा है, वो डब्बा जो खरीदी थी 700 रुपये का है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। मेरा एक टेबल था पहले जिसपे बच्चे खाते थे, वो टेबल जल गया तो देखने से थोड़ा ऑड फील हो रहा था, उस पर रख दिया तो काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हो चुका था, अच्छा नहीं लग रहा था और टूट भी गया था नीचे से। मैं सोची इसे चेंज ही कर देती हूँ। बना रही हूँ भिंडी आलू बोधी का भुजिया। भिंडी 2-4 छत से टूटा था और बोधी भी 2-4 टूटा था, इसलिए मैं ये भुजिया बना रही हूँ। मैं अब रोटी बनाऊंगी, उसके बाद सारे काम करके ओके देखिए हो चुका है। मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर चुकी हूँ और वाशिंग मशीन लगा दी हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज पूरे दिन फिर बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो इस वजह से कपड़े सुबह धोना ठीक नहीं लगा। अभी मैं धो के बगल में जो एक रूम फ्लैट खाली है उसमें डाल दूँगी, रात भर में वह सूख जाएगा। और इधर दूध भी बॉयल हो रहा है और बच्चे इधर एक इधर होमवर्क बना रहा है और दूसरा इधर बना रहा है। देखिए तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरे यहाँ भुजिया बिल्कुल कुरकुरी पसंद है, इस वजह से देखिए ये काफ़ी कुरकुरा हो चुका है। अब ये बन ही चुका है, अब मैं रोटी वगैरह बना लूँगी, उसके बाद मैं फिर लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि सारे काम करने के बाद मुझे ये काम एक्स्ट्रा काम बाद में करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। ऐसे अगर आपको टाइम हो गया कि खाना देना है कि नहीं को, तो फिर वो एक प्रेशर बना हुआ रहता है और किसी चीज़ को आप बनाओगे वो फिर मन से बनता नहीं है, टेस्टी भी नहीं बनता। इस वजह से मैं सारे काम फिनिश कर ली हूँ। और देखिए मेरा इधर से किचन का लुक ऐसे आता है। और मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट भी दिया है, वो गिफ्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरे जेठ के लड़के ने गिफ्ट दिया है मुझे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करवाया था, तो गिफ्ट भी उन्हीं से मिला, क्योंकि उनका कहना था कि जब आप हमारे घर आओगे तभी मैं आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। तो ये गिफ्ट तो मुझे मिल चुका है, मुझे संडे को ही मिल गया था मगर शूट नहीं कर पाई मंडे का वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता तो मैं उस दिन मंडे वाला वीडियो में भी नहीं डाली, तो मैं अब आज वाले वीडियो में डालूंगी। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि गिफ्ट मेरा कैसा है और प्लीज़ यार कमेंट कीजिए, कमेंट आप नहीं करते, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। अगर एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो दो कट जाते हैं, बड़ा टेंशन है दोस्तों, बहुत टेंशन है। कोई नहीं, हर चीज़ में टेंशन है, अगर टेंशन ही ना हो तो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो टेंशन को पार करते हुए YouTube को मैं करके दिखाऊंगी और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। मैं एक छोटा अलमीरा भी ली हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा है, बुक सेल्फ है मगर मैं कपड़े वगैरह रखने के लिए ली हूँ, अच्छी है। देखिए 4 दराज है दोस्तों, 4 दराज है और है तो ये बुक सेल्फ, मगर मुझे कपड़े रखने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं जहाँ रहती थी बहुत ज़्यादा सीलन होती थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीलन होती थी। सीलन का क्या दिखाऊँ दोस्तों, देखिए छत पे भी सीलन है, देखिए मतलब बारिश एनी टाइम होने की वजह से सीलन काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो मैं जब भी रैक वगैरह पर रखती थी तो सीलन की वजह से ख़राब हो जाता था। तो मैं सोची कि एक ले लेती हूँ, तो ये तो मेरे हस्बैंड आए थे तभी मैं ली थी जब मैं गांव जा रही थी, उससे कुछ दिन पहले ही ली थी मगर वैसा टाइम नहीं आया, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। कोई नहीं। और देखिए गर्मी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस वजह से, और मेरा सर भी बहुत दर्द दे रहा है इस गर्मी की वजह से,
मौसम का कोई है, जबकि फुल दिन बारिश हुई, पूरे दिन बारिश हुई, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी गर्मी इसी तरह है। और चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये दोस्तों मैंने खुद से बनाया था, मेरे पास एक सेल्फी स्टिक था, तो जब मैं वीडियो शूट करती थी तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने ये पाइप और बॉटल से बनाया था। तो मेरे बेटे ने जो मुझे गिफ्ट दिया वो एक ट्राइपॉड है जो मुझे फ्लिपकार्ट से रिसीव हुआ है, और उसका प्राइस 800 रुपया है, और काफ़ी अच्छा ट्राइपॉड है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। इसके साथ मुझे 100 रुपीज़ का कूपन भी मिला है, एक बैग हैंगिंग करने के लिए भी मिला है, अगर आप कहीं जाते हो जहाँ शूट करना हो उस तो आप उसमें हैंग करके ले जा सकते हो। और ये ट्राइपॉड सोबो कंपनी का है और बहुत अच्छा है, इसके साथ आप इंस्टाग्राम का भी रील्स वगैरह शूट कर सकते हैं, और काफ़ी बड़ा हो जाता है। मैं पूरा देखिए आपको खोल के दिखाती हूँ, और अच्छा भी है, मजबूत है, ऐसा नहीं है कि, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इस पर आप ये कि बाद में कैमरा वगैरह भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी आप सिर्फ फ़ोन, बहुत सारे ट्राइपॉड 300-400 में भी मिलते हैं, जिसमें आप फिर आप इसमें ये नहीं लगवा सकते, कैमरा नहीं हैंग कर सकते, मगर आप इसमें कैमरा भी हैंग कर सकते हैं। और देखिए ये यहाँ पे कैमरा रखने का, और ये इस तरह आप इस तरह मोड में भी कर सकते हैं, और दोनों मोड में आप वीडियो शूट कर सकते हैं। और ये ऊपर से और ऊंचा होगा दोस्तों, और ये देखिए घूम भी जा रहा है, बहुत अच्छा है दोस्तों। मुझे थैंक यू इसके लिए मैं उनको बोलती हूँ, और ये मुझे बैग भी मिला है। और दोस्तों मेरा खाना वगैरह सब हो गया, मैं बच्चे लोग सारे खा लिए हैं, और नारियल का लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, नारियल और चीनी, बस इतने से इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगा। अगर आपको मन है तो आप इलायची डाल सकते हैं कूट के, मगर मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसमें अलग सा टेस्ट भी आ जाता है, मुझे इस तरह सिंपल ही पसंद है। तो बस यहाँ गैस ऑन कर ली हूँ और कढ़ाई रख दी हूँ, और इसमें जो नारियल का पाउडर है वो डाल दूँगी, और तुरंत ही साथ में ही इसे चीनी भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब दोनों को अच्छे तरह से चलाते रहूँगी, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं चलाएंगे, और आपको लगातार चलाते रहना होगा क्योंकि नहीं तो इसका नीचे से चिपक जाएगा। और देखिए ये देखिए दानेदार हो गया दोस्तों, और ये अब देखिए इसमें आप तेल ही बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया होगा तो इसलिए ये हमारा बन चुका है। अब इसे पंखे के नीचे कुछ देर के लिए रख दें, ये ठंडा हो गया है, और इस तरह हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए आप लड्डू बना लें, और इसे 1 से 1.5 घंटा के लिए रख दीजिएगा बनाने के बाद, ताकि ये ठंडा हो जाए। तो दोस्तों अब इसे आप रात में बनाएं तो सुबह तक ठंडा होने दें, कुछ घंटे भी ठंडा होने देंगे तो ये अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए और इससे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।